दोस्तों स्वागत है आप सभी का एप्स पॉइंट में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपके मोबाइल का वॉल्यूम अप और डाउन बटन खराब हो चुका है, ना ही आवाज़ कम होती है ना ही ज़्यादा होती है, तो कैसे आप इसे ठीक करेंगे, कैसे आप अपने मोबाइल में वॉल्यूम को कम ज़्यादा करेंगे। तो अगर आप इस ट्रिक को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इसके बाद आपको एक कमेंट कर देना है वॉल्यूम ट्रिक्स, एक कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल का वॉल्यूम बटन खराब हो चुका है तो आप अपने फोन में एक ट्रिक लगा सकते हैं। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसे ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहां पर नीचे एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे ये एप्लीकेशन एक्टिवेट हो जाएगी और आप देखेंगे आपको नोटिफिकेशन पैनल में ही वॉल्यूम अप और डाउन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि आप आवाज को कम ज्यादा कर सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल से ही। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूं और किस तरह से वॉल्यूम काम करेगा मैं दिखा देता हूं। आप सभी का एप्स पॉइंट में, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे धमाकेदार, आप देख सकते हैं वॉल्यूम कम हो रहा है, वायरल है, देख सकते हैं वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। अब हम इसे कम करते हैं, आप देख सकते हैं कम हो गया और यहाँ से बढ़ाना है तो आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इसे म्यूट करना है तो आप यहाँ पर म्यूट पर क्लिक करेंगे तो ये म्यूट भी हो जाएगा, अनम्यूट करना चाहते हैं तो अनम्यूट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपके मोबाइल का वॉल्यूम बटन खराब हो चुका है तो आप इस एप्लीकेशन की मदद से अपने फोन में वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।